आने वाले बगुला चला हंस की चाल, ना वहाँ संगठन है ना लोग इनके पार्टी को जानते हैं, ऐ चले हैं समर्थन देने। बिहार में तो इनका पत्ता साफ हो गया और वहाँ यह खुद जानते थे कि इनके सारे प्रत्याशियों की बुरी तरह जमानत जब्त हो जाएगी। तो और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 40% मत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मिला था। तो वहाँ भाजपा की सरकार आने वाली है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि वहाँ ममता बनर्जी को हटाना है और भाजपा की सरकार वहाँ जो है लाना है, या आम लोगों ने वहाँ मन बना लिया। इनको कौन पूछने वाला है तेजस्वी यादव और राजद को, वहाँ कोई जानता है क्या इनका छाप क्या है, तो चले हैं समर्थन देने के लिए। ममता बनर्जी तो लेकिन बोल रही हैं कि भाजपा बाहरी लोग हैं, दंगा कराते हैं, सरकार हम ही लोग बनाएंगे। नहीं नहीं, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है तो जाएंगे ही वहाँ चुनाव प्रचार में। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वहाँ जो बंगाली हैं वही वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो पहले से तय था और ममता बनर्जी से मिलने के लिए गए हैं, उनके बुलावे पर भी गए हैं। आरजेडी वहाँ लड़ना चाहती है और ममता बनर्जी के पार्टी से समझौता होगा और हमारी पार्टी जितनी सीटों पर लड़े लेकिन वहाँ सीट लड़ेगी और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन पता नहीं बिहार के जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो सरकार में शामिल हैं एनडीए के लोग, पेट में दर्द होता है कि तेजस्वी कहाँ गायब हो गए। अरे तो गायब हो गए वो, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को आप लोगों ने पिंजरा में बंद कर दिया है। तो आज के डेट में तेजस्वी यादव ही देश और दुनिया को देखना है उनको, और जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव को देखने और सुनने के लिए अन्य प्रदेशों में भीड़ जुट जाती थी, उसी तरह तेजस्वी यादव के को देखने आसाम हो, बंगाल हो, अन्य राज्यों में हो, देखने और सुनने के लिए भी उम्र पड़ी है। तो विरोधी लोग छाती पीट रहे हैं कि भाई ये तो नौजवान है, इसके पीछे तो एकदम देश की जनता, पता नहीं नौजवान कैसे इसके पीछे होता जा रहा। मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव ही देश के भविष्य होंगे और वो दिन दूर नहीं, आने वाला दिन है बताएगा आपको कि तेजस्वी यादव ही देश के नेता होंगे। भाजपा तो बोल रही है कि 200 प्लस बंगाल में। अब सवाल है वो जुमला पार्टी है, वो कुछ भी बोल सकती है, उसके पास काफ़ी पैसे हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 8 चरण में चुनाव कराने का दबाव देकर करवाया है। चुनाव आयोग से मैंने उस दिन भी आग्रह किया था जिस दिन घोषणा हुआ था कि कम समय में चुनाव जल्दी कराने का, हम आग्रह किया था कि मैंने 4 चरण में चुनाव करा लीजिए। ये घालमेल करने में लगा हुआ है, लेकिन जनता तैयार है, बंगाल की जनता चाहे अन्य राज्यों की जनता तैयार है कि इस बार बीजेपी को चलने नहीं देंगे। ये किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, नौजवान विरोधी है, इसके खिलाफ में वोट लोग देंगे। ABP News आपको रखे आगे।